अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं हूं नज़ा कतरी। तो दोस्तों आज हम वो एक और मॉड्यूल लाए हैं आपके लिए जो मलंगा एक्सपोर्ट भाई बहनों का है। ये जो आप इन्वर्टर देख रहे हैं इसमें आप आसानी कोई भी इन्वर्टर हो उसमें लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं ये इन्वर्टर में लगाया हुआ बूस्टर सेक्शन में, तो ये अच्छे तरीके से हमारा जो है ना ये वाला किट जो है अच्छे तरीके से काम कर रहा है। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं ये वाला सर्किट है हमारे पास, अगर किसी भाई को चाहिए तो ये मिल भी सकता है आपको। तो दोस्तों आप देखते हैं अच्छे तरीके से हमने जो है इसको इसकी वायरिंग कर ली है और लगा दी है। और सबसे पहले इसके हम आपको वोल्टेजेस भी चेक करा लेते हैं, आई के इसके जो आउटपुट के वोल्टेजेस हैं वो कितने बनते हैं और आया कि हमारा जो ये इन्वर्टर है वो लोड भी उठाता है कि नहीं। तो दोस्तों आप देखते हैं, तो सबसे पहले अच्छे तरीके से हम आपको इसके जो है ना वोल्टेजेस चेक करा लेंगे मल्टीमीटर को एसी रेंज पे रख के। तो दोस्तों आप देखते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले आपको इसके वोल्टेजेस कंफर्म कर लेते हैं, तो ये 251 वोल्ट आ रहे हैं। अब इस पर ऐसा ऐसा से लोड लगाएंगे, सबसे पहले हम 100 वाट का लोड लगाते हैं। दोस्तों आप देखते हैं अच्छे तरीके से हमारा 100 वाट का लोड चल रहा है। अब यहाँ पर इसको 200 वाट का लगाते हैं, तो दोस्तों आप देखते हैं हमारा जो 200 वाट का बल्ब है वो अच्छे तरीके से ग्लो हो रहा है, मतलब कि सही तरीके से लोड उठा रहा है हमारा इन्वर्टर। अब इसके आउटपुट के वोल्ट भी आपको चेक करा लेते हैं, आया कि ये जो 100 वाट का बल्ब हमारा जल रहा है आउटपुट के कितने वोल्ट बन रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं 213 वोल्ट बन रहे हैं और हमारी ये जो किट है बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है सही तरीके से, जिसकी वजह से हमारा इन्वर्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहा है और काम कर रहा है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आ जाती है तो हमारे यूट्यूब चैनल सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आप देखते हैं इसके आउटपुट है 212 वोल्टेजेस हो गए, इसको लगा दिया 200 वाट का लोड। दोस्तों आप देखते हैं अच्छे तरीके से ये वाला सर्किट जो हमने लगाया है बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और दोस्तों आप देखते हैं ये इन्वर्टर हमारा बिल्कुल ही अब ओके हो चुका है, सही तरीके से अपना काम कर रहा है।